शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं AS न्यूज़। इन लाइनों का जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो है ये स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ये शहीदों की यादों में बनाया गया है, जो शहीद हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनकी यादों में, उनकी यादों को सजोए रखने के लिए बनाया गया है, ताकि आज के युवा आए, इन्हें देखें, इनसे सीखें कि कैसे देशभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, शहादत ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पूरा स्मारक है ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं इनमें उन शहीदों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं। एक चक्रव्यूह आकार का पूरा स्मारक बनाया गया है, इसमें शहीदों के नाम सम्मान के साथ अंकित हैं। आज की युवा पीढ़ी यहाँ आती है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, अपने बच्चों को लेके आते हैं ताकि वो उन्हें सिखा सकें कि शहादत क्या है, सैनिकों के बारे में उन्हें समझाया जा सके, आज की युवा पीढ़ी उन्हें समझे। आप करीब से देखें तो यहाँ पे हमारे शहीदों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक जो एक याद में बनाया गया, लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। इंडिया गेट के पास में बनाया गया स्मारक आज याद दिलाता है उस पल की कि जब हमारे सैनिकों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। ये जो दीवाले देख रहे हैं ये 4 चक्रों में विभाजित हैं, वीर चक्र, त्याग चक्र, स्वतंत्र चक्र और अमर चक्र। ये चक्र अपने आप में एक उनकी अलग खासियत है, आप उनके बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका निर्माण कराया। रात को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है, शहीदों का परिवार आता है यहाँ पर आके उनके नामों के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इतिहास के पन्ने हम और भी पलटेंगे, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन मनमोहन सिंह के साथ अमन शुक्ला, दिल्ली।